नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। हरियाणा में हरियाली तीज महोत्सव का खास महत्व रहता है और आज कैथल में भी हरियाली तीज के महोत्सव पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ में मौजूद हैं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और कैथल से MLA लीलाराम गुज्जर भी मौजूद हैं। और जिस तरह से हरियाणवी रिचुअल्स को, हरियाणवी सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, चूल्हा चौका से लेकर के चक्की, कुंडी सोटा, भिटोड़ा और तमाम तरह की, जैसे कि श्रावण महीने में देखने में आती हैं जो चीज़ें, उन चीज़ों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। कोतली का खास तरीके से हरियाणा में महत्व रहता है क्योंकि एक भाई खाने पीने की वस्तुएं जिनमें घेवर फिरनी होती है उनको अपनी बहन को देकर आता है, मिठाइयाँ तमाम बहन को देकर आता है और एक मिलन का ये श्रावण महीने का पूरा महीना रहता है और इन रिचुअल्स के माध्यम से इस महीने को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है इन बच्चों द्वारा। तो सावन के महीने में हरियाणवी रिचुअल्स की शुरुआत जहां से होती है, तो मैं अब तक इस एग्जीबिशन में चूल्हे की एग्जीबिट यानी चूल्हे की स्टॉल पर मौजूद हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी तरुण मौजूद हैं और इस एग्जीबिशन को अच्छे से बताने के लिए सक्षम है। जी तरुण नमस्कार, मैं तरुण आपको आज हरियाणवी धरोहर के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे सुभाष जैन स्कूल ने लगाई है। हरियाणवी धरोहर का हमारा बताने का मतलब यही है कि जो हमारा पुराना कल्चर ख़त्म हो चुका है उस कल्चर को हमें दोबारा कैसे जागरण करना है, उसके लिए हमें ये दिखाया गया है। जैसे अब चूल्हा है, सबसे पहले हम चूल्हे पे आते हैं। आज के टाइम में चूल्हा है नहीं, गैस के कान मरोड़ा और रोटी तैयार तुआ रखा। अब इसके लिए हमें क्या होता था, पहले फूंक मारनी पड़ती थी, फूंक मारने से जो हमारे अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड सब खत्म हो जाती थी और अंदर अच्छी ऑक्सीजन जाती थी। अब हम स्पेशल बैठ के फूंक मारने तो रहे, मारते ही नहीं है, फूंक मारनी पड़ती थी अच्छे से, जो ये धुआं था आंखों में जाता था, पानी आता था, वो पानी से हमारी आंखें साफ होती थी। देखो हर छोटी छोटी चीज़ की एक वैल्यू है। रोटी बनाते थे हाथ पे, बना के दिखाओ हाथ पे रोटी, जैसे हाथ से रोटी बनाते थे। अब देखो ये बच्चा बना के दिखा रहा है, हाथ से रोटी जब बनाते थे मतलब हाथ की एक्सरसाइज। और ये रोटी खाने से कभी भी गैस नहीं बनती थी, पेट भार नहीं आता। देखो अब सभी का पेट भार है, हमारा भी सबका ही भार है क्योंकि वो गैस की रोटी खाने की वजह से है। ये रोटी खाने से कभी भी हमारा मतलब कभी भी किसी भी तरह से पेट भार नहीं आता था और हम तंदुरुस्त रहते थे। ये हमारा चूल्हा था और सबसे सस्ता ईंधन है ये। गैस सिलेंडर चाहे 2000 भी हो जाए तब भी वो महंगा पड़ेगा, ये चाहे कितना मर्जी हो जाए ये सबसे सस्ता। सिर्फ 10 रुपये में, 10 रुपये भी नहीं लगते थे, गाय का वेस्ट जो गोबर है उससे बनाने से ही पूरे शहर, पूरे अपने, सॉरी शहर तो क्या कह रहा हूँ, पूरे अपने घर की रोटी बन जाती थी बड़े अच्छे से। ये था चूल्हा। अब जैसे धीरे धीरे हम आगे चलते रहेंगे, हम लास्ट तक जाएंगे चूल्हे से, मतलब ये होता था कि चूल्हे की रोटी आज के टाइम में गाँव में थोड़ा बहुत चलती है आज, तो वो भी शहर में, गाँव में रोटी ख़त्म ही हो गई है। अब भी गाँव में गैस आ गई है, गैस जलाओ और चूल्हा खत्म, मतलब रोटी तैयार। मेहनत होती ही नहीं थी, ये मेहनत के लिए हम चूल्हा मतलब यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चूल्हे से आ गए अगर बढ़ के चले तो अगली स्टाल है कुंडी सोटा सील बट्टा। जी तरुण, अभी सील बट्टा है, सील ये होती है सील और ये बट्टा, सील बट्टा। इससे मतलब क्या होता था, चटनी पीसते थे, चटनी इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी होती है। अब गैस है बटन दबाया और बारीक चटनी, इसकी चटनी और गैस की चटनी, बड़ा दिन रात का अंतर था। अब ये पीस के दिखाएगी गुड़िया, इसे पीसते थे तो हाथों की एक्सरसाइज, नसों की एक्सरसाइज, कोई भी जोड़ दर्द नहीं होएगा और कभी भी हार्ट अटैक से नहीं डेथ होएगी सिर्फ इसके वजह से। एक ये मतलब खाने में भी अच्छी, बनाने में भी अच्छी, हर चीज़ में बढ़िया। ये था सील बट्टा। आगे है कुंडी सोटा। कुंडी सोटा से मसाले, जैसा कि आजकल मिक्सी का कल्चर चला हुआ, मिक्सी के माध्यम से लोग भोजन तैयार करते हैं, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है तरुण? बिल्कुल, मिक्सी में तो 2 मिनट के अंदर अंदर हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, बटन दबाया, घुमाया या बटन दबाया और खाना जो भी हमने पीसना है, कुछ भी करना है, वो तैयार है। इसके हम शरीर का कम से कम यूज़ तो हो रहा है ना। अभी ये चला रही है गुड़िया, ये ऐसे कर रहे हैं, इससे हमारा शरीर का एक तो हो रहा है। दूसरी बात, हमारे मसाले बारीक पीस रहे हैं, अच्छा पीस रहे हैं और बारीक पीस रहे हैं, जिससे मतलब इसकी जो बिजली से जो जितने भी हमारे विटामिन बी है ख़त्म ही हो जाता है लगभग। इसमें वो सब कुछ रहेगा अंदर, पोषक तत्व वो मौजूद रहेंगे इसके अंदर, रहेंगे पोषक तत्व भी मौजूद रहेंगे और शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा और खाने में टेस्ट बहुत लाजवाब टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट। तो सील बट्टा के बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो चक्की, और ये हाथ से चलने वाली चक्की है। जी तरुण, अभी हाथ से चलने वाली चक्की है, देखो इससे गेहूँ पीस रहा है। तो ये मतलब जब चलाते थे हमारी माताएं बहनें, चला के दिखाओ बेटा, ये चलाती थी, इससे क्या होता था, ये बहुत भारी होती है और ये चलाते थे, ये देखो ये ऐसे चलती थी, तो इससे मतलब पूरा पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाता था और माताएं बहनें मोटी नहीं होती थी। इससे कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर इसका आटा खा लो और इसको चला लो। आज क्या होता है कि हमने उसमें डाला और वो पीस के हमारा आटा तैयार हो गया जाता था। अब 2 किलो चाहिए था, 3 किलो चाहिए था, पूरे दिन का, 2 दिन का चाहिए था, तो इसमें पीसते थे, ताज़ा पीसते थे, ताज़ा खाते थे। अब के टाइम में हम 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का स्टोर करके रख लेते हैं आटा नॉर्मल। हम भी अपने घरों में रखते हैं, पर ये टाइम तो ऐसा था
अब तो है ही नहीं ये, ना गांव में है ना शहर में, कहीं भी नहीं है ये टाइम। ये तो मतलब हमारे कल्चर का सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हमें चूल्हा भी कहीं मिल सकता है, सील बट्टा भी कहीं मिल सकता है, पर हमें चक्की कहीं नहीं मिल सकती। हाथ से चलने वाली चक्की हमें कहीं नहीं मिलेगी, जिससे एक्सरसाइज भी अच्छी होती थी और काम भी अच्छा होता था। देखो आप देख सकते हो जैसे, अब देखो काम भी अच्छा, बहुत बढ़िया काम होता था इसलिए। बिल्कुल। तो तरुण मेरे साथ हैं, चक्की का इन्होंने जिक्र किया। तो जितनी भी हैं धरोहर के रूप में हमारी विरासत मौजूद है, हालांकि बची कुची अवस्था में है, लेकिन इसको संभालने की खास तौर पर इसके संरक्षण की ज़रूरत है, क्यों तरुण? हाँ बिल्कुल, संरक्षण की भी ज़रूरत है और हमें इसको यूज़ भी करना चाहिए, हमें उसका यूज़ भी करना चाहिए। देखो छाछ का यूज, देखो छाछ से क्या होता था, एक बारीक से बारीक दाना भी इसमें नहीं रहता था, साफ़ हो जाता था। साफ़ होने से क्या होता था, हमारा मतलब एक एक दाना साफ़ होता था, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, और मतलब छानते थे। इससे एक मॉरल वैल्यू भी थी कि इसको छानने से जैसे गंद साफ होता है, वैसे हमारे हमारे घर की बुराइयाँ, हमारे घर की गंदगी भी साफ़ हो जाएँ, इसका ये एक मॉरल वैल्यू भी थी छाछ की। छाछ की मॉरल वैल्यू आपने बताई कि छटनी होती है गंदगी की, अपनी छटाई और जो शुद्ध चीज़ है वो अपने पास। आगे है ओखली जी तरुण। ओखली से देखो, ओखली का इसका वेट कम से कम 6-7 किलो इसका वेट है, इसको डेली उठाएंगे करेंगे करके करना। और इसमें देखो बाजरा जी, कितना बारीक बाजरा पिसता है, बारीक भी पिसता है, अच्छा होता है इसका बाजरा, खाते हैं मतलब खिचड़ी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, दलिया का उठते हैं, एक बेस्ट है। इसका भी कम से कम 40-50 किलो वेट है। 40-50 किलो इसका वेट और मेरे ख्याल से 5 किलो इसका वेट, 7 किलो इसका वेट होता है। इसको एक दिन में एक इधर से उधर रखने में भी मतलब जिम जाने की जरूरत नहीं है। काम अच्छा होता था, बढ़िया होता था, ट्रेडिशनल काम होता था, हर चीज़ का बढ़िया हर चीज़ का। मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि मतलब ये तो हमारी धरोहर ये भी ख़त्म हो चुकी है, जैसे चक्की हाथ से चलने वाली चक्की ख़त्म हो चुकी है, वैसे ये भी धरोहर ख़त्म हो चुकी है। अब पिसा पिसाया आटा है, पिसा पिसाया दलिया आता है, सब कुछ होता है इसमें। मसाले हल्दी की गांठें पीसी जाती थी जिससे हल्दी यूज़ होती थी। पहले आज से महिलाएं और ये कुंडी है का जिसे चटनी वगैरह कूटते हैं। 1 रुपए मिलेगा, अब तो कम हो गया, पहले तो आप 2 रुपए अभी भी गांव में है। हाँ गांव में है, गांव में भी है, कोई शहर में भी रखता है। पहले हल्दी रहता था। हाँ दूल्हा बन गया सर, शहर की जगह ये हाथ से बनाते थे सर पहले। यही करते बाद में तो 3 बजेंगे। थोड़ा टेस्ट करके देखिए चटनी के साथ बेटा, चटनी रख दे ऊपर, थोड़ा पीछे ही भाई, थोड़ा पीछे ना। अरे घनी तेज है मिर्च पानी में सर, अच्छे से लगाइए। ले 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 अच्छी है। मैम को टेस्ट करते हैं, मैम को टेस्ट करो। हाथ बीच मार इधर देखना सर, इधर इधर इधर।
खाली है जी ये इसका कैरियर सर नो स्मोकिंग अभियान चल रहा ना इसलिए खाली देख लिया था ये कुछ नहीं ऐसे रोते रहते हैं करते रहो अपना पेट में टुकड़े दिन से टूट के उनसे दूर जावा ले भाई उधार का स्टैंड फोन अपना आती होगी अब भी आती है।